नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रवीण बेस्ट ब्लॉग्स नैनीताल में। और दोस्तों, ये महीना है दिसंबर का, और जो लोग आप मुझसे जुड़े हैं इस वर्ष 2022 में, और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा ये वर्ष 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और आप लोग में से जिन्होंने मुझे मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप लोगों को नैनीताल के वीडियोस देखना पसंद है, तो ज़रूर से एक बार आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपके साथ एक नैनीताल से बहुत ही रोचक जानकारी साझा करना चाहता हूं। तो ये नैनी झील है, और इसमें जो कि कई प्रकार की नावें चलती हैं, जो कि पैडल बोट्स होती हैं और रोइंग बोट्स होती हैं और यॉट बोट्स होती हैं। तो आइए, मैं आपको आज लेके चलता हूँ जो कि रोइंग बोट्स की मेकअप है, और वहाँ पे ये लोग जो कि इसकी रिपेयरिंग करते हैं, और ये जो कि नाव है इसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कैसे ये सब बनाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, और मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से बाहर। चलिए चलेंगे। सामने ही अगर आप देखें तो रोइंग बोट्स का टिकट घर है, और यहाँ से बोट्स के लिए टिकट बुक किए जाते हैं। और आइए मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे देखें तो ये शुरुआत से ही जो कि नई बोट तैयार हो रही है, और जानेंगे इसके बारे में। तो आइए मैं आपको इधर से दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके की ये बोट है, और अंकल यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जो कि ये बोट है, ये एकदम ब्रांड न्यू बोट है, और ये शुरुआत से ही जो कि बनाई जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसी ये बोट है। तो अभी अंकल थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो अभी इनसे बात करते हैं। अंकल नमस्कार जी। जी, आप ये एकदम नई जो कि बोट है वो बना रहे हैं? हाँ। तो मैं सर, आप अगर अभी अगर आपको संकोच ना हो तो आपसे कुछ जानकारियाँ लेनी थी। हाँ, लीजिए। जी जी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये बोट जो कि शुरुआत से ही बना रहे हैं, तो इस बोट की जो है वो कीमत क्या होगी? कीमत बैठ रही है आजकल 1.5 लाख रुपये करीब। तो 1.5 लाख रुपये की इसकी कीमत है? अच्छा, तो जो कि नैनीताल में क्या किसी के पास 1.5 लाख रुपया है तो कोई भी ये बोट डाल सकता है तालाब में? लाइसेंस होता है ना नगर पालिका से, तो लिमिट है उसकी। जी, तो इसके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, और नगर पालिका में अप्लाई किया जाता है ना? ये तो 92 से लिमिट कर दी उसकी, 222 बोट है उतनी रहेंगी। जो कि सन 1992 से इनकी बोटों की लिमिट की गई है। 222 बोटें हैं लेक में, और ये ज़्यादा बढ़ती नहीं बढ़ती हैं। जी जी, अच्छा, तो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो की है साझा करी है। तो आपसे मैं एक कुछ जानकारी और लेना चाहूँगा, आप जो की है इस फील्ड में आप कब से कार्यरत हैं? तो हमारे पिताजी बनाते थे इसको। जी, तो ये आपका जो कि पुश्तैनी काम है? पुश्तैनी काम है जी। और मैं बनाता हूँ 91 से, मैं 1940 से मेरे पिताजी बनाते थे 91 तक, उसके बाद से मैं बनाता हूँ। तो आप 91 से बना रहे हैं, 1991 से आप बोट्स का काम कर रहे हैं? जी 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 जी, तो ये काफ़ी ही जो कि सुंदर बोट आपने बनाया ही है। और सर, इसमें जो कि आप ये कील का काम कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ, तो थोड़ी सा आप ये जानकारी दीजिए
तो ये मुझे कॉपर की कील लग रही है। कॉपर की लगती है ना, ताकि कॉपर की लगे करके। जी अच्छा, इसकी जंग लग जाती, टूट जाती है जी, जंग नहीं लगता। तो इस कॉपर की कील में जंग नहीं लगता, इसलिए आप ये यूज़ करते हैं। अच्छा, ये पूरी बोट में कॉपर की कील यूज़ करी जाती है। जी जी जी, काफ़ी ही आप शानदार जो कि है ये बना रहे हैं। और ये गोल है, इसको ये उसमें करनी पड़ती चौपहर, ताकि अटकी रहे। जी अच्छा, गोल के लिए जो है तो निकल जाते हैं। जी तो इसके बाद इसमें भी काम रहता है काफ़ी। हाँ, इसमें भी रहता है, इसमें रिबिट होती है, रिबिट्स होती हैं। जी जी, और सर अभी जो कि ये बोट आप पीछे हैं, तो इसमें अभी काफ़ी ही काम बाकी है। हाँ, और ये कितना समय लगता है एक बोट? एक महीना लगता है एक नई बोट बनाने के लिए, एक महीना पूरा लग जाता है। जी 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 जी, तो मान से बढ़ाओ, जल्दीबाजी करो तो 20 दिन में भी हो जाती है। जी तो जो कि इसकी जो कि महत्वपूर्ण, और सर इसमें कोई सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि आप बताना चाहेंगे? सावधानी तो लेक में बरतनी पड़ती है, जो कि लाइफ जैकेट है और कंपलसरी हो गई है। जी 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 जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि साझा करी हैं। तो सर आपका मैं जी आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शिल्पी है। राजेंद्र प्रसाद जी जी, ओके ओके, तो थैंक यू सो मच। नैनीताल से? हाँ, नैनीताल से, वैसे प्रॉपर घर हमारा अल्मोड़ा है। जी तो आप अल्मोड़ा सिटी से बिलोंग करते हैं? और जी दादा के टाइम से यहाँ आ गए हैं। जी तो अभी यहीं रहते हैं। जी तो अभी तक आपने जो है कितनी बोटें बना चुके हैं आप आज तक? साठ बोटें आपने आज तक बना ही दी हैं? अरे वाह जी जी। ताल भीमताल भी यहीं से जाती है। अच्छा जी 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 जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आप यहाँ पे बहुत ही मेहनत से जो कि बोट तैयार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं जो कि ये बोट्स आप देख पा रहे हैं, ये अंकल यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और ये इन्हीं के हाथों की बनाई हुई बोट्स हैं। और आप ये देख सकते हैं सामने, और ये काफ़ी पूरी लेक्स में जो कि रोइंग बोट्स आप देख पा रहे हैं, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी गई है जो कि लाइफ जैकेट कंपलसरी है, और इवन अगर आपको स्विमिंग आता भी है तो आपको लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है। ये देख सकते हैं ये अभी बोट्स तैयार हो रही है, तो यहाँ पे भाई साहब काम कर रहे हैं। तो ये कुछ अभी इस तरीके से बोट है, इसे आप देख सकते हैं, और ये जो कि बोट्स बन के तैयार हो के ऐसे कुछ यहाँ पे लेक में जो कि चलने लगती हैं, और वो आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो कि एक बोट नज़र आ रही है आपको, रोइंग बोट। तो अब ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे भाई साहब हैं। नमस्कार भाई जी, कैसे हैं सर आप? अच्छा, ये बोट का जो कि रिपेयरिंग काम चल रहा है। जी जी, तो आपसे मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ, कृपया आप दर्शकों को बताएं कि जो आप ये बोट रिपेयरिंग कर रहे हैं, आप इस काम में कब से हैं? 2004 से। 2004 से हैं आप? जी 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 जी, तो बोट चलाना तो बहुत पहले से हूँ, सन 85 से करीबन। सन 85 से आप इस काम में हैं? हाँ, 85 से। जी जी, तो जो आपका ये काम पुश्तैनी है? पुश्तैनी? हाँ जी सर, काम करते हैं, सीखते रहते हैं आगे। जी जी पहले जी, और करते थे। जी जी जी, तो थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं कि जो आप ये बोर्ड बना रहे हैं, ये किस लकड़ी से बनती है और इसमें कितनी मेहनत लगती है? सर एक महीना लगता है पूरा बनाने में। जी जी, एक महीना लगता है नया बोर्ड बनाने में? जी 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 जी, और ये टूल की है? टूल की। जी 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 जी, टूल और शीशम की बनाया जाता है। तो आप ये काफ़ी मेहनत करके लकड़ी से आप ये तैयार कर रहे हैं, और आप इसे एकदम नई ही बना देंगे? तो जी 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 जी, होते रहते फूट फूट होते रहते। जी जी, तो इस जी 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 कभी भी कोई पक्का नहीं है कि नहीं होगी, जाना नहीं है। जी जी, अभी भी टूट फूट जाती है क्योंकि कच्चा लकड़ी ना, लकड़ी का काम हो पानी हवा तूफान से, जल्दी भी कहीं पर टूट फूट हो जाती है, 10-15 दिन में भी बनानी पड़ जाती है। जी 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 सर,
तो आपका मैं नाम जानना चाहूँगा भाई साहब। मेरा नाम गिरीश प्रसाद आर्य सर। जी जी गिरीश प्रसाद आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों को ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी कि जो कि नैनीताल में पर्यटन आता तो है मगर ये कुछ बातें हैं जो कि रहस्य रह जाती हैं, जिसमें कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पे नैनी झील के सौंदर्यीकरण और ये जो आप बोट्स में रिपेयरिंग करके, तो ये इन बोटों का जो आपने अस्तित्व रखा है अभी तक, तो जी ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि ये बोट्स का काम चल रहा है, और देखिए ये जो नैनीताल की झील है और ये जो कि बोट्स यहाँ पे रिपेयर चल रहा है वर्क, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कि बोट्स आप लेक में देखते हैं और ये यहीं बनती हैं और यहीं चलती हैं और इनका मैन्युफैक्चर यहीं होता है नैनीताल में ही। तो आप देख सकते हैं ये लाइव आपके सामने भाई साहब जो कि बोट रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मिलेंगे आपसे जल्द ही, थैंक यू। तो आज आप लोगों ने जाना कि जो कि नैनी झील की नावें हैं वो यहीं बनती हैं और यहीं उनका रिपेयर एंड काम चलता है। और चलिए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, और आइए समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पे, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ अगले वर्ष 2023 में भी। और जिन्होंने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल और नैनीताल के वीडियो आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से एक बार से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जल्द ही मिलूँगा मेरे नए वीडियो में, और दोबारा से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तो ऐसे ही दिखते हैं।